तो कुछ इस तरह से हमारा माइक खुल गया, देखिए। तो गाइस इसको भी हम बंद कर देंगे क्योंकि ये 50% पर दिया है, तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करके कैसे क्या करने। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं गैस को चालू कर लेती हूँ। तो पहले मैं नीचे से गैस को ऑन करती हूँ और यहाँ पे सारे सब्जी मेरे कट चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसको भी कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा मटर, तो थोड़ा सा मटर भी डाल देती हूँ उसमें, इतना सब्जी बहुत है हमारे लिए। और इतना गोभी ले लेती हूँ, चलिए इसको भी काट लेती हूँ। इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है हमारा। तो इस मैगी को मैं ठंडे पानी में डाल देती हूँ, इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं सारा जो है कि इसको मैं छान ली हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ। यहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैं इसमें भी रिफाइन ऑयल दूंगी। तो ये रहा हमारा रिफाइन ऑयल, तो रिफाइन ऑयल और ये रहा मेरा छोले। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, इसको फ्राई करते हैं। तो जब तक ये लाल नहीं हो जाता तब तक मैं इसे फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें मैगी मसाला जो कि हमारा पैकेट से ही निकला है, और उसके बाद थोड़ा सा नमक। इसलिए थोड़ा देर और फ्राई करती हूँ। अभी मैं मसाला डाल देती हूँ। तो फ्रेंड दो पैकेट काफी है हमारे लिए। चलिए एक और डाल देती हूँ, ज्यादा ही स्पाइसी और चटपटा हो जाएगा। तो इसको 5 से 10 मिनट भून लेते हैं। अभी हमारा अच्छे से मसाला भून चुका है, तब इसमें हम डाल देंगे ये वाला हमारा मैगी जो कि हम ठंडे पानी से धो के रखे थे। आप चाहें तो इसमें मिर्चा डाल सकते हैं स्पाइसी के लिए, पर मैं नहीं डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है जो कि फ्राई हो गया अच्छी तरह से। आप चाहें तो और इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी टाइप से रखी हूँ गाइस ताकि खाने में हमारे ये अच्छा लगे। और अब अगर चैनल पे मेरे नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए धनिया इस पर मारने का और चैनल को सब्सक्राइब करके जाने का। तो हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया, मैं इसको अब प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें कि मैं अभी खाने वाली हूँ। तो चलिए इसको पहले